बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद हेडवे। टुडेज लेक्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम मोर वर्क फॉर वोकैबुलरी एनहांसमेंट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स हैव अ स्टार्ट। आवर टुडेज फर्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली एंड बी फेमिलियर विद द सिचुएशन, फैक्ट्स, इशूज एटसेट्रा। उर्दू में इसे कहेंगे अकल, फहम, समझ या इदराक। किसी चीज़ का इदराक होना, किसी चीज़ की समझ होना, किसी भी मामले की नौयत का पता चलना, इन तमाम को कॉम्प्रीहेंशन के मीनिंग्स में लाते हैं। इसके सैंपल सेंटेंसेस हैं, ही हैज़ नो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, के उसको इस मामले की, इस प्रॉब्लम की नौयत का ही अंदाज़ा नहीं, उसकी सीरियसनेस का ही अंदाज़ा नहीं है या नॉलेज नहीं है। शी वोंट हैव द लीस्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इसके सिनोनिम देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्शन, अप्रीहेंशन। अप्रीहेंशन भी अंडरस्टैंडिंग के मीनिंग में आता है, नॉलेज, परसेप्शन, डिसर्मेंट नया वर्ड है, डिसर्मेंट को देख लें। डिसर्मेंट का मतलब होता है टू द एबिलिटी टू जज पीपल एंड थिंग्स वेल, के ये एबिलिटी किसी लोगों को, सिचुएशन को जज करने का या किसी इशू को समझने का जो इदराक है उसको डिसर्मेंट कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन कहा जाता है कि किसी चीज़ को थारोली डिस्क्राइब करना, उर्दू में कहेंगे तशरीह करना, या विजडम भी इसके सिनोनिम में आएंगे। एंटोनिम में इग्नोरेंस, इनएबिलिटी डेफिनेटली यही आएंगे, यहाँ पे इग्नोरेंस आ जाएगा, या फिर उसके बाद बिविल्डरमेंट भी कन्फ्यूजन के मीनिंग में आता है। बिविल्डरमेंट आपके एमडी कैट के वर्ड्स में ऑलरेडी शामिल है, आप इसको वहाँ पे भी मजीद देख ले सकते हैं, मगर इसका मतलब कन्फ्यूजन है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, इनकम्प्रीहेंशन भी इसके डायरेक्ट एंटोनिम में आ जाएगा। इनक्रेडुलिटी, इनक्रेडुलिटी का मतलब होता है डाउट या डिसबिलीफ। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जी मुनफित, निराला, मुश्ताक या मुतजस्सिस। ये ऐसा शख्स जो कि किसी भी नॉलेज के हवाले से, किसी भी इशू के हवाले से ज़्यादा जानना चाहता है, उसे क्यूरियस कहा जाता है। साथ ही ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव भी है। इसको नेगेटिव अगर आप समझेंगे तो उसका मतलब होता है कि टो में लगे रहना, किसी की आप ये समझ लें कि उसका ताकुब करना और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना, उसको भी क्यूरियस कहा जाता है। ईगर टू नो और लर्न समथिंग। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका मतलब है वो है स्ट्रेंज या अनयूजुअल। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि अनयूजुअल है या एबनॉर्मल है, स्ट्रेंज है, उसको भी क्यूरियस कहा जाएगा। इसके सैम्पल सेंटेंसेस से मजीद सेंस क्लियर होगी। आई वॉज क्यूरियस टू नो वट वुड हैपन नेक्स्ट। बेबीज आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड देम। बड़ा ही सिंपल सा, क्लियर सा मेथड है, यहाँ पे मीनिंग है यहाँ पे क्यूरियस का, इसको देख लें। उसके बाद इसके सिनोनिम देख लेते हैं, ईगर, एक्साइटेड डेफिनेटली आएंगे, इम्पेशेंट, एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट कहा जाता है जी सोचने के मीनिंग में आता है, थिंक के मीनिंग में आएगा। इंथ्यूजियास्टिक, इंथ्यूजियास्टिक जिसमें पैशन होता है, जिसमें जोश बलबला होता है, वो यकीन, वो भी इसमें आ जाएगा। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, और ये पिक्यूलियर का जो वर्ड है ये स्ट्रेंज, एबनॉर्मल के मीनिंग में भी आता है। और इसके बाद वर्ड है जी इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव का मतलब होता है वांटेड टू डिस्कवर फैक्ट्स। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना चाह रहा हो, तो उसको इनक्यूजिटिव कहा जाता है। अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, अनफेमिलियर, एनोमलेस। एनोमलेस का मतलब होता है जी स्ट्रेंज आर इररेगुलर, इनोमिनस। उसके बाद है जी अनटिपिकल, एबनॉर्मल, अटिपिकल, डिफरेंट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यहाँ पे इसलिए आया कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे, तो उसको भी क्यूरियस कहा, वो भी क्यूरियस के मीनिंग में ही आएंगे। और ऑड जो है, ऑड इसका जो सेकेंड मीनिंग है क्यूरियस का, स्ट्रेंज या एबनॉर्मल या डिफरेंट, वो तमाम इसमें ऑड के मीनिंग में आएंगे। एंटोनिम देख लेते हैं, इनक्यूरियस जिसको सीखने की ही ज़रूरत ना हो, जिसको जो कि तजस्सुसी ना हो, जिसको वो इनक्यूरियस में आ जाएगा। अनकंसर्न जिसको किसी चीज़ से वो कंसर्न ही ना हो, डेफिनेटली यहाँ पे एंटोनिम में आएगा। डिसइंटरेस्टिंग जो कि डिसइंटरेस्टिंग होगा, जो कि इंटरेस्ट ही नहीं है जिसको, नॉर्मल, जो कि नॉर्मल, अब इसका जो सेकेंड मीनिंग है उसके अगेंस्ट आ गया, कि वहाँ पर अगर डिफरेंट आया या एबनॉर्मल आ गया तो यहाँ पर नॉर्मल आना था। फेमिलियर आ जाएगा जी, जो फेमिलियर जो कि सबके साथ घुलता मिलता हो, सब जैसा हो, उसको फेमिलियर कहा जाएगा। ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इसके सिनोनिम में आएगा तो यहाँ पे ऑर्डिनरी आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब है आम, जो कि सब जैसा हो, कोई उसमें डिफरेंट चीज़ ना हो। यूजुअल भी यहाँ आएगा डेफिनेटली,
और उसके बाद इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब ये है कि डिफरेंट वहाँ पे है, अगर के क्यूरियस का मतलब डिफरेंट है तो उसका एंटोनिम इनडिफरेंट में आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है यूं ही सरसरी तौर पर, सीरियस ना होना या गैर इरादी तौर पर भी कैजुअल कैजुअली के मीनिंग में आएगा। इंग्लिश में इसके मीनिंग देखते हैं तो नॉट मेथोडिकली और अकॉर्डिंग टू प्लान, आप इसे कहीं इन रिलैक्स आ इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे में जो काम एक्टिविटी वो कैजुअली के मीनिंग में आएगा। ही डेल्ट विद हिज कोर्स वर्क कैजुअली, कि उसने अपना जो कोर्स वर्क है उसको बड़े ही कैजुअली लिया, बड़े ही सरसरी तौर पर किया, उसको सीरियस नहीं लिया। शी वॉज जस्ट कैजुअली स्ट्रोलिंग थ्रू द मॉल, कि वो जस्ट मॉल में स्ट्रोलिंग कर रही थी कैजुअली, उसने कुछ खरीदना नहीं था, वो गैर इरादी तौर पर या नॉन सीरियसनेस उसकी यहाँ पे शो हो रही है कि वो मॉल में स्ट्रोलिंग कर रही थी, घूम फिर रही थी। उसके बाद इसके सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम में जो पहला वर्ड है इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनइंटेंशनली, जो कि यहाँ पे सेकंड वर्ड भी लिखा हुआ है, एक्सीडेंटली, अनएक्सपेक्टेडली, आर्बिट्रेरी। उसके बाद आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडमली, कैप्रियोशियसली, अनप्रिडिक्टिवली जो होती है वो कैप्रियोशियसली में आएगा। और उसके बाद इनफॉर्मली, एमलेसली, अनकॉन्शियसली, अनविटिंगली। अब यहाँ पे विट कहते हैं अकल को, जिसमें कि आपकी मर्जी शामिल हो, तो यहाँ पे चूंकि कैजुअली आ गया तो फिर कैजुअली का यहाँ पे सिनोनिम ये यहाँ पे बनता है जी अनविटिंगली। उसके बाद इसके अगर एंटोनिम देखते हैं तो पहला एंटोनिम है मेथोडिकली, इसको कहता है मेथोडिकली का मतलब होता है केयरफुली या प्रिसाइजली, कोई काम जो बड़ी एहतियात से किया जाए या प्रिसाइजली उसको करने की कोशिश की जाए तो मेथोडिकली इसका जो मतलब होगा। तो मेथोडिकली तो यहाँ पे एंटोनिम में आना था, बिल्कुल डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम है सॉरी। सिस्टमेटिकली भी यहाँ पे आएगा जी इंटेंशनली, केयरफुली, फॉर्मली, डिलीबरेटली। डिलीबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, पर्पजफुली और पर्पजली सॉरी शेड्यूल्ड, जो काम के शेड्यूल है, जो कि सरसरी तौर पे नहीं, अनशेड्यूल नहीं है, जिसके एक प्रॉपर स्केड्यूल है, जिसको शेड्यूल किया गया है, तो यहाँ पे एंटोनिम में आएगा कैजुअली के। कन्फाइनिंग, कन्फाइनिंग मीन रोकना, पाबंद करना, महदूद करना, अमन ना करने देना या घेरना, कि किसी काम को रोकना, उसमें रुकावटें डालना, उसको स्लो डाउन करना या उसको नाकाम बनाने की कोशिश करना, उसको कन्फाइनिंग कहा जाएगा। ये वर्ड कन्फाइन से निकला है जो कि वर्ब है, और यहाँ पे ये कन्फाइनिंग के मीनिंग्स में आ रहा है। तो कन्फाइनिंग के हम सैम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। लेट्स कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द मैटर इन क्वेश्चन, ही डज नॉट कन्फाइन हिज मैसेज टू द सॉरी टू पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे कन्फाइन का जो मतलब आ रहा है वो स्क्वीज करने में भी आ रहा है, सम अप करने में भी आ रहा है, शॉर्टन के मीनिंग में भी आ रहा है। लेट्स चेक इट्स सिनोनिम। सिनोनिम बारिंग, ब्लॉकिंग, हैम्परिंग, हिंडरिंग, इन तमाम का मतलब है टू प्रिवेंट समथिंग डूइंग ईजिली, कि किसी काम को आसानी से होने से रोकना, वो जो है इनके चारों ही अल्फाज के मीनिंग्स में आ जाएगा। इम्पीडिंग टू स्लो डाउन, किसी चीज़ को स्लो करना, इम्पीडिंग के मीनिंग में आता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग जी यहाँ पे आना था सिनोनिम, ऑब्स्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रिक्टिंग, कंस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट्स में रखना, टाइट करना या शॉर्ट करना, वो कंस्ट्रिक्टिंग में आएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग का वर्ड आप ये कहेंगे यहाँ पे कैसे आ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट से ये वर्ड निकला है, मगर कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा मतलब होता है जिसका मतलब होता है शॉर्ट करना या लिमिट्स में ले आना किस चीज़ को, तो इसको कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। लेसनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लेस करना या उसको कम करना या उसकी जो कमी है उसको मजीद बढ़ाना। नरोइंग, पिंचिंग, स्क्वीजिंग, टाइटनिंग, क्वालिफाइंग, नंबरिंग और उसके बाद मॉडिफाइंग, तो ये तमाम अल्फाज यहाँ इसके सिनोनिम में आएंगे। इसके मिलते जुलते अल्फाज भी आप मजीद ऐड कर सकते हैं। तो इसके एंटोनिम हैं जी ब्रॉडनिंग, एक्सपेंडिंग, वाइडनिंग, ओवर एक्सटेंडिंग, ओवर रीचिंग और एक्सीडिंग, ये तमाम ही इसके एंटोनिम है। बड़ा ईजी सा वर्ड था, बस इसको आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आज का जो लास्ट वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैम्ड। क्रैम्ड जो है अगर एज अ वर्ब यूज हो तो इसका मतलब होता है इम्तहान से पहले बड़ी तेज़ी के साथ तैयारी करना, जिसको हम रटना भी कहते हैं या रट्टा लगाना भी कहते हैं, तो वो क्रैम के मीनिंग में आता है। और अगर इसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ करें तो इसका मतलब होता है
भरा होना, मुकम्मल तौर पे फिल होना, तो वो क्रैम्ड के मीनिंग में आएगा। इस टाइप के पहले भी आप वर्ड अपने एमडी कैट की वोकैबुलरी में देख चुके हैं और ये आगे जाके इसके सिनोनिम देखते हैं तो आपको मजीद सेंस क्लियर होगी। पहले इसके सैंपल सेंटेंस देखें, द प्लेटफॉर्म वाज क्रैम्ड विद पीपल, के प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लेक्चर्स वर कॉल्ड ऑफ सो स्टूडेंट्स कुड क्रैम फॉर फाइनल। तो यहाँ पे जो सेकंड इसका मीनिंग है वो बयान किया गया है कि जी लेक्चर्स चूंकि ख़त्म हो गए तो अब स्टूडेंट जो है वो तेज़ी से अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की विद द हेल्प ऑफ क्रैम। नेक्स्ट इसके सिनोनिम है जी, सिनोनिम है ब्रिमफुल। ये ब्रिमफुल पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, भरा होना के मीनिंग में आता है। स्टफ्ड, स्टफ्ड भी भरे होने के मीनिंग में आता है। फिल्ड, जैम्ड, लोडेड, पैक्ड, बस्टिंग, क्राउडेड। तो आपको यहाँ पे सेंस क्लियर हो गई कि क्रैम्ड का मतलब खचा खच भरा होना भी है। उसके बाद एंटोनिम में ब्लैंक तो आना ही था जी, ब्लैंक आ गया जी। डिवॉइड, डिवॉइड होता है खाली या महरूम, किसी चीज़ का किसी चीज़ से महरूम रह जाना, तो वो भी डिवॉइड के मीनिंग में आता है। एम्प्टी, स्टॉक, वैकेंट, वॉइड, डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है लो इन क्वालिटी, इनएडिक्वेट। और उसके बाद है इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट। तो ये तमाम इनके एंटोनिम हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को देखा, उनके सैम्पल सेंटेंसेस को देखा, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी देखा, उनके उर्दू और इंग्लिश मीनिंग्स को भी देखा। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपको मैं सिंपल वे में और आपका कम से कम वक्त लिए मैं इसको कवर कराने की कोशिश करूं, क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इधर उधर की बातों के बजाय आपको जल्दी से लेक्चर जो है वो कवर करा दूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मगर यहाँ पे एक बात ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है आपको उससे फुली गो थ्रू होना ज़रूरी है। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बल्कि जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं एमडी कैट के उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे, आप फौरी तौर पे उन पे क्लिक करके पहुँच सकें और उनको देख सकें। ये जो वोकैबरी है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा मुझसे, तो उनके लिए आंसर कर रहा हूँ कि वोकैबरी का जो पोर्शन है ये आपके इंग्लिश पेपर के जो कैटेगरी वन है जिसमें के 7 MCQs होंगे उसमें ये शामिल होगा, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स और होमोफोन्स भी होंगे। हमारे अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उसमें कोशिश होगी कि आपको होमोफोन्स के हवाले से भी कंप्लीट मैं गाइडलाइन देता हूं। तो आप लोग कोई भी लेक्चर मिस ना करें और आप मेहनत करते चले जाएं। बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपने दोबारा से बड़े ही अच्छे तरीके से सुना इसको। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको एमडी कैट के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज, आइल्स और इंग्लिश लिटरेचर की अपडेट्स भी मिलती रहें, जो कि आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम्स के बाद भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्न विद हेडवे। अल्लाह हाफिज़, टेक मच केयर।